अर्जुन कपूर फिलहाल अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न्स के चलते चर्चा में हैं, जो पर्दे पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दर्शकों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो अर्जुन की कई फिल्में अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही है। इस बीच हाल ही में अर्जुन कपूर का एक बयान सामने आया है, जिसमें एक्टर कहते दिख रहे हैं कि वो फिल्म करने से पहले कई बातों का ख्याल रखते हैं। उनका ये बयान सुनने के बाद तमाम सोशल मीडिया नेटिजंस का कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर उनकी फिल्में क्यों फ्लॉप हो जाती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्टर ने हाल ही में कहा, तथ्य ये है कि एक विलन रिटर्न्स की शुरुआत मेरे करियर की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म है। भले ही कोविड के बाद इंडस्ट्री वापसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे लिए ये सच है। मैंने लगातार ऐसी फिल्में करने की कोशिश की है जो यंग जनरेशन और दर्शकों से जुड़ती है। लोगों को एक विलन रिटर्न्स का आनंद लेते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। फिल्म को मिली शुरुआत से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में भी ये अपनी रफ्तार बरकरार रखेगी। मुझे खुशी है कि लोग मेरे परफॉर्मेंस की सराहना कर रहे हैं। मैं एक अट्रैक्टिव फिल्म बनाना चाहता था और अब इसके परिणाम देखने लायक होंगे। अर्जुन का ये बयान सामने आते ही चर्चा में आ गया है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि अर्जुन की ऐसी कोशिशों के बावजूद उनकी फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं, जिनमें संदीप और पिंकी फरार, सरदार का ग्रैंडसन, भूत पुलिस जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। खैर, बात कर ली जाए उनकी हालिया रिलीज फिल्म एक विलन रिटर्न्स की, तो इसे 29 जुलाई को पर्दे पर रिलीज कर दिया गया है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.3 रेटिंग मिली है। इस फिल्म में एक्टर के साथ जॉन इब्राहिम, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया लीड रोल में हैं। दर्शकों को कलाकारों की ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।